नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। ये बेसन 2 कटोरी लिए मैंने, बूरा 1.5 कटोरी, इलायची पाउडर और घी, घी 1 कटोरी। अब पैन मैंने रख लिया और गैस ऑन कर लिए। इसमें हम घी डालेंगे सबसे पहले। कुछ मैंने बचा लिया है, घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। इसको लगातार चलाएंगे, फ्लेम को हम थोड़ा कम कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे, जब तक कि अच्छी खुशबू ना जाए। अब मैं इसमें इलायची पाउडर मिला लूंगी। अब बेसन का कलर एकदम चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये पैन गर्म होता है तो कई बार ये बेसन जलने का चांस होता है। अब बेसन ठंडी हो गई है, इसमें हम ये बूरा मिला लेंगे। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। जिस भी साइज का आपको चाहिए उस साइज के आप लड्डू बना सकते हैं।